सो हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारा टेरेस गार्डन है उसमें कौन कौन सी हरी सब्जियाँ उगा रही है हमने, जिससे हमारे को 70-80% मार्केट से हरी सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस छत पे जाओ, तोड़ो और बनाओ, खाओ, एकदम देसी सब्जियाँ उगा रही की। तो आज की वीडियो में यही टूर कराऊंगा कि छत पे कौन कौन सी हमने हरी सब्जियाँ उगा रही की। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको इस जगह की पूरे पौधे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पौधे ला रहे हैं, कौन कौन से हरी सब्जी के ला रहे हैं। फिर इधर के दिखाऊंगा, फिर इधर के, फिर ये सारी चीज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं अपन। ये सबसे पहला पौधा जो आप देख रहे हो ना, ये है बैंगन का, ठीक है। और इसमें फूल भी आ रहे हैं माशाल्लाह, और कुछ दिनों में बैंगन भी निकल जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार और वीडियो बना के। और इसी के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगी गंवर फली। ये देखिए, गंवर फली भी आना शुरू हो चुकी है। ये ऊपर आ गई है, नीचे भी आ गई है, दोनों तरफ गंवर फली आ गई है। और इसके पीछे आप देखोगे ना, ये पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी का पौधा है जो कि धीरे धीरे बनना शुरू हो चुकी है पत्ता गोभी इसकी भी, और बहुत जल्दी बनकर भी रेडी हो जाएगी, जो कि मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये धीरे धीरे पत्ता गोभी बनना रेडी हो चुकी है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये है पालक, ठीक है। ये पालक है पूरे, जो कि ये देखो अंदर तक के पूरे में। और ये आज दिन में ही हमने पालक तोड़कर बनाया है, और माशाल्लाह काफी ज्यादा स्वादिष्ट और काफी ज्यादा टेस्टी सब्जी बनी है इसकी। पालक की दाल पालक बनाया था, और काफी ज्यादा मतलब एक वो देसी सब्जियां पूरी है, पूरी देसी सब्जी है, घर की उगाई भी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती। तो आराम से तोड़कर बनाओ और खाओ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था पालक। और इसी के पास में आ जाएगा मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट है ये, तो उसके अंदर आ गई बेल के अंदर, ये आ गई मिर्ची अपनी, ठीक है। ये भी घर की है, ये देखो, ये मिर्चियां उगना शुरू हो चुकी है इसमें, और थोड़े दिनों में देखना पूरा भर जाएगा पेड़ इस मिर्चियों का। ये देखो चारों तरफ उगना शुरू हो चुकी है। और ये एक पेड़ नहीं है, एक केरा, एक ओरा और दो बोर है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। ये केरा देखो पत्ता गोभी का, और ये देखिए कितनी खूबसूरत हो रहा है, पत्ता गोभी बनना शुरू हो चुकी है। एक ये बनना शुरू हो चुकी है, एक ये री, ये कम से कम 8-10 पेड़ ला रहे के पत्ता गोभी के जो बनना शुरू हो चुके हैं। और ये यहाँ पे आ जाते हैं अपन, यहाँ नीचे की साइड में प्याज और लहसुन दोनों मिक्स में उग रहे हैं। आधे लहसुन है इसमें कुछ, और कुछ प्याज है, ऐसे मिक्स के अंदर हो रहे के, ठीक है। और पत्ता गोभी के काफी सारे अपन ने प्लांट ला रहे के। और साथ में आ जाता अपना टमाटर, ठीक है। अभी टमाटर एक दो दिन पहले ही तोड़े इसमें से टमाटर, और भी फूल आना शुरू हो चुके हैं। अंदर आपको फूल दिख रहे होंगे, और भी फूल आना शुरू हो चुके हैं। और इसके अंदर भी काफी ज्यादा छोटे छोटे से इसके टमाटर के पौधे उग रहे हैं, छोटे छोटे से, जो कि बड़े होना शुरू हो चुके हैं। और उसके पास में ये एक और मिर्ची है, ये एक और मिर्ची है, इसमें अभी फूल ही आ रहे हैं। अभी हाल ही में सिर्फ एक दो मिर्चियां आई है, ज्यादा मिर्चियां नहीं आई है। और इसके पास में आ जाते भिंडी का पौधा आई है, जो कि इसमें भिंडी आई थी, चार भिंडी थी जो कि अपन ने तोड़ लिया और कच्ची खा गया उसको, तो क्योंकि बहुत स्वाद लग रही थी, मीठी थी। और एक और ये रहा गंवर फली का, ठीक है, इसमें भी फूल आना शुरू हो चुके हैं। और इधर हाल ही में अभी एक ये जामफल का ही पेड़ है, हाल ही में इधर लौकी की वो थी बेल जो कि जल गई, वो पता नहीं काहे से जल गई, नहीं तो पूरे में फैल रही थी और काफी सारी लौकियां हो रही थी उसमें, तो पता नहीं कैसे जल गई वो। और एक इस तरफ आ जाता अपन, तो ये आ गई शकरकंदी की बेल, ठीक है, शकरकंदे ये। और ये देखिए कितनी लंबी बेल हो गई इसकी, माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। ऐसे लग रहा है पान के पत्ते हो जैसे, है ना, पर पान की बेल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है। बाकी देखो पान के पत्ते की तरह लग रहा है, बस कलर का डिफरेंस है, ये थोड़े वो है पर्पल कलर में। और ये शकरकंद की है, ये दो बेल है और बड़ी होती जा रही है अंदर शकरकंद, तो जिससे देखो ये मटकी भी तोड़ दी इन्होंने, मटकी के अंदर उगा रही थी, तो मटकी भी टूट गई है, उसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ का मैंने आप लोगों को बता दिया, अब उस साइड का दिखाता हूँ। देखो इस साइड में भी काफी सारे, अब यहाँ पे दोनों, ये दोनों पत्ता गोभी है, और इसके अंदर भी पत्ता गोभी उग रही है, और आलू के बीज डाल रही है इसके अंदर, जिससे आलू भी उगेगा भी। और ये देखो यहाँ पे भी पत्ता गोभी डाल रही है, और ये आ गई अपनी मूली, ये देखो ये मूली है, माशाल्लाह काफी खूबसूरत हो गई है और काफी प्यारा साइज हो चुका है इसका। थोड़े दिन में, कुछ वक्त बाद में इसको निकालेंगे जब खाने जैसी हो जाएगी। और ये मिर्ची का पेड़ है जो कि पूरा भर रखा है मिर्ची से, ये देखो पूरा भर रखा है मिर्ची से, चारों तरफ मिर्चियां हो रही है इसके अंदर, देख रहे हो ना, पूरी मिर्चियों से भर रखा है आला पेड़। और ऐसे ही सेम जो मैंने दो पेड़ दिखाया ना आपको उधर, ऐसी ये दोनों पेड़ में ही मिर्चियां भर जाएगी जैसे इसके अंदर भर रही है। देखो मिर्चियां लाने की भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, पेड़ में ही लाल हो जाती है, फिर उसको सुखा लो और यूज में ले लो। ये आ गई मूली अपनी, और ये इधर पत्ता गोभी है, इधर आलू लगे हुए, ये भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, गंवर बटा है। और यहाँ पे भी वो आ गई पत्ता गोभी, और ये चूल्हा भी हाल ही में मम्मी ने बनाया है, सीमेंट का चूल्हा बनाया है, काफी भी ज्यादा बढ़िया है। और चलो मैं इस साइड का दिखा देता हूँ, इस साइड क्या क्या लगा रखा है। इस साइड में गंवर बटा लगा हुआ है, और ये तुलसी है, यहाँ पे भी गंवर बटा और तुलसी लगा रही है। काफी ज्यादा मोहल्ला भी लेते हैं हमारे से तुलसी, जैसे गाढ़ा वगैरह बनाना होता है उसमें यूज में लेता है, गंवर बटा लेते रहते हैं बालों पे लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए। और देखो ये यहाँ पे जैसे अपन इस साइड में आएंगे ना, तो ये आगे करेले की बेल, ये करेले की बेल है जो कि यहाँ से पूरे ऊपर तक जा रही है, इस पेड़ पे पूरी फैल जाएगी है, इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो चुका है।
और ये रही पानी की बेल। ठीक है, छोटी सी लाए तो और देखो कितनी बड़ी हो गई है। इसको भी जगह देनी पड़ेगी जिससे ये आगे तक के फैलती रहे। ये पानी की बेल पूरी और ये करेले की बेल ऊपर जाए जा रही है। इसमें भी करेला आने ही वाला है। और ये नीचे की साइड भी मूली लगी हुई है और जो अंग्रेजी पालक है वो लगे हुए। तो नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। नीचे का है ये सामने भिंडी का पेड़ है, ऊपर आले से तोड़ लिया था, पर इसकी जो भिंडी है ना ये देखो कितनी बड़ी हो गई। इसमें तो बीज बन गए है, एक तरीके से बीज बन चुके, पूरी पक गई है भिंडी एकदम, और इसकी बीज बन गए। मतलब और पेड़ उगाना होगा ना भिंडी का तो ये दोनों भिंडी काम आ जाएगी इसमें। और यहाँ पे मूली ला रही है, ये देखो ये भी बनते जा रही है धीरे धीरे, माशाल्लाह तोड़ने लायक हो जाएगी जब अपन तोड़ेंगे इसको, और उस टाइम वीडियो बनाऊंगा मैं तोड़ते हुए। और ये अंग्रेजी पालक, ये भी काफी ज्यादा खाते हैं, इसको अंग्रेजी पालक भी कहते हैं और पोईसाक भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरे में ये हो रहा है पालक ही पालक हो रहा है चारों तरफ, चारों तरफ पालक है। और ये केरा मिर्ची का पेड़, एक और मिर्ची के पेड़ ज्यादा है, इसमें भी पूरे फूल हो रहे के चारों तरफ, जिससे आने वाले टाइम में मिर्ची भर जाएगी पूरी। मिर्ची की तो कमी होती नहीं हमारे को बिल्कुल भी, क्योंकि उधर भी पेड़ है इधर भी पेड़ है, चारों तरफ पेड़ है मिर्ची के। और ये आगे देखो मूली, यहाँ पे भी मूली है, इधर भी मूली, मूली ज्यादा उगा रही की, काफी ज्यादा उगा रही की मूलियाँ, क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा आती है, बेसिक है मूली खाना, आपको पता है खाने के साथ में सर्दियों में कितना ज्यादा यूज में आती है मूली, इसीलिए अभी से तैयारी हो रही है अपने मूली की, जिससे सर्दी में खाने में एकदम बेहतर आ जाएगा। और ये पालक के चारों तरफ, और एक ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ हमारे आंगन का, ये सजना का पेड़, मैं आपको इसकी एकदम नजदीक से दिखाता हूँ, पूरी नॉलेज देता हूँ इसकी। और ये करेले भी आना शुरू होने वाले, फूल तो आई गए इसके भी, इसलिए ऊपर चलते और आपको बताता हूँ इस पेड़ के बारे में। इस पेड़ का मैं बताऊँ आपको, इसको सजना का पेड़ भी कहते हैं और अलग अलग स्टेट पे इसके अलग अलग नाम कहे जाते हैं। अब देखो इसके फूल भी है, इसकी फली भी है और इसके पत्ते भी है। ठीक है, कुछ भी चीज आप इसकी तीनों में से कुछ भी खा सकते हो, अदरवाइज कुछ भी वेस्ट मतलब चीज नहीं है इसमें पेड़ में। इसके पत्ते हो, फूल हो या फिर फली हो, सारी चीज बनाई जाती है इसके। अब इसका जो फूल है ना, ये इसके फूल की सब्जी अगर आप खाओगे और बनाओगे ना, एकदम अंडे की तरह बनती है। और इसकी फली की सब्जी भी बनती है, कई बार हरी सब्जी की तरह बनाते हैं इसको, कई जने गोश्त में डालकर बनाते हैं। और इसके पत्ते हैं, इसके पत्ती की भी सब्जी बनती है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना, YouTube पे इस पेड़ के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो इसके पत्तों के बारे में, इसकी फली के बारे में और फूल के बारे में बताएंगे कि सबसे ज्यादा हेवी प्रोटीन जो हरी सब्जियों में होता है ना, इसके पत्तों में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हेवी प्रोटीन जो है ना इसके पत्तों में होता है। ये जो है ना कोमल, ये कोमल पत्तियां जो दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी सी, इसमें सबसे ज्यादा हेवी प्रोटीन होता है हरे पत्तों में। उसके बाद में इसके फूल में प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके बाद में इसकी फली में होता है। ऐसा इसका ये पेड़ है, मतलब इसकी जो तीनों चीजें, तीनों में काफी ज्यादा हेवी प्रोटीन पाया जाता है हरी सब्जियों के अंदर। अगर आप यकीन नहीं आपको तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में, काफी ज्यादा प्रोटीन वाला पेड़ है ये, जो कि हमारे मोहल्ले वाले भी काफी जने लेकर जाते हैं हमारे से और काफी जने खाते हैं। और सब जने बोलते हैं ये, इसके अंदर भी दो तरीके की फलियां होती है, अगर आप खाओगे तो एक कड़वी पेड़ का फली होती है और एक मीठे पेड़ की होती है। अपने मीठे पेड़ की है इसलिए काफी जने लेकर जाते हैं इसको, और कड़वे पेड़ का भी पेड़ होता है, कड़वी फली का भी पेड़ होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, और काफी ज्यादा जानकारियां आप लोगों से मैंने शेयर कर दी है जो कि आप लोगों के काम में आ सकती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा, और काफी सारी वीडियो मैं आप आगे लाने वाला हूँ इसी नॉलेज पे कि आप जो छत पे गार्डन कैसे बना सकते हो और कैसे आप अपने घर में हरी सब्जियां उगा सकते हो, जिससे आपको मार्केट से केमिकल वाली सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।